हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेलो हेल्थ। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फल और सब्जियों के बारे में जो कि हमारी ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ में मिलते जुलते हैं, यानी कि जो ये खुद बताते हैं कि मैं किस ऑर्गन के लिए बना हुआ हूँ। जैसे कि गाजर। गाजर के अगर पीछे वाले हिस्से को काट करके देखा जाए तो आपको किसकी जिस संरचना दिखेगी, आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो आपके गाजर की पीछे की मतलब अगर आप गाजर को पीछे की तरफ से काटते हैं तो ऐसे किससे मेल खाता हुआ दिखेगा? तो जवाब है वो आपकी आईज की तरह, यानी आँख की तरह। आपकी आँखों की संरचना जैसी होती है वैसे ही गाजर को अगर आप काटते हैं तो आपके अंदर उसके गोल गोल सी संरचना उसमें दिखती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गाजर खाते हैं तो आपकी आँखों की सेहत के लिए गाजर बहुत ही फायदेमंद है। वैसे साइंटिफिकली भी देखा जाए तो क्या होता है कि इसमें विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, तो ये आपकी रेटिनल हेल्थ को बढ़ाने का काम करता है। तो गाजर अगर आप खाते हैं तो आपके आईज से ये मिलता जुलता है और आपकी आईज की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आप सेकंड है इसमें अंगूर। अगर आप अंगूर खाते हैं तो आपके लंग्स को, यानी कि जो आपके फेफड़े हैं, उसकी हेल्थ इम्प्रूव्ड होती है। कैसे? एक अंगूर जो होता है वो आपके लंग्स की जो एल्वियोली होती है उसकी संरचना जैसे दिखता है। अब अंगूर किसमें होता है? गुच्छों में पाया जाता है। तो जो एल्वियोली होती है वो एक अकेली नहीं होती, बल्कि लंग्स में कई सारे एल्वियोली जो होती है वो गुच्छों की तरह होती है। तो अगर आप डेली अंगूर खाते हैं, मतलब डेली नहीं, आप जब भी अंगूर के सीजन में अंगूर खाते हैं तो वो जो एल्वियोली होती है वो काफ़ी उसकी हेल्थ इम्प्रूव्ड होती है। तो आप ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अंगूर खाते हैं इससे आपके जो लंग्स हैं उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है। तो लंग्स और अंगूर, यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं राजमा। जो राजमा बीन्स होते हैं वो सभी आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किडनी के जैसा दिखता है। तो इजीली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप राजमा खाते हैं तो आपका जो किडनी है उसमें आपकी हेल्थ में सुधार मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। ऐसा हम भी मानते हैं, थोड़ी साइंस का जो रीजन है वो भी यही कहता है कि अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है या फिर कहीं भी स्टोन है, तो थोड़ी सी आपको राजमा को यहाँ पर स्किप करना चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत नहीं है तो आप राजमा बिल्कुल खा सकते हैं, आपकी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा ये। अब जो नेक्स्ट है वो है अखरोट। अखरोट की संरचना किस ऑर्गेन से मिलती है? ब्रेन के जैसे। अगर आप डेली अखरोट खाते हैं तो आपका जो ब्रेन है यानी कि मस्तिष्क, उसकी कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, आपका जो ब्रेन है काफ़ी स्ट्रांग होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। ये कई सारी चीज़ें अगर आप अखरोट डेली खाते हैं तो आपको मिलती हैं। तो अखरोट का कनेक्शन किससे हो गया? ब्रेन से। अगर आप अखरोट खाते हैं तो आपके ब्रेन बॉडी ऑर्गन्स क्या है, यहाँ पे ब्रेन की हेल्थ को बढ़ावा मिलता है। अब प्याज किसकी तरह दिखता है? आपकी ह्यूमन बॉडी जो है उसके सेल्स की तरह, यानी कोशिका की तरह। अच्छा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जिक्र सुना होगा या पढ़ा होगा कि प्याज की झिल्लियों के द्वारा कोशिका का अध्ययन। तो प्याज किसकी संरचना के जैसे दिखता है? हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी संरचना के जैसे प्याज दिखती हैं। तो हमारे शरीर से जो विषैले प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का काम यहाँ पर करता है। कोशिका जो होती हैं उनको हेल्दी रखने का काम करती है प्याज। तो प्याज का कनेक्शन हो गया हमारे शरीर की जो सेल्स हैं कोशिका से। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टमाटर। अगर आप टमाटर को बीज से कट करते हैं तो वो आपको हार्ट के 4 चैम्बर्स की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन है आपके हार्ट से, आपके हार्ट की हेल्थ को सुधारने के लिए। अगर आप डेली अपनी डाइट पर टमाटर को रखते हैं तो आपका हार्ट ऑलरेडी हेल्दी रहता है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहता है, मतलब मेंटेन रहता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पर टमाटर का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो किससे हो गया? हार्ट से। तो ये कई सारी सब्जियां और फल ऐसे हैं जो आपके किसी न किसी बॉडी ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। शेप में ऐसा लगता है कि हमारे इस ऑर्गन के जैसे दिखते हैं और वाकई में वो उस ऑर्गन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो ऐसा अब कौन सा ऑर्गन्स है और ऐसा कौन सा फल है और सब्जी है जो आपकी अभी दिमाग में है, नज़रों में है, जो मैं बताना भूल गई हूँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि वो किसके जैसा दिखता है और किस चीज़ के लिए बेनिफिट साबित होता है। तो चलिए गाइज, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।